अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलिशीज लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से मौसम भी बहुत अच्छा है एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मैजिकल पाउडर, जिनको स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं मौसम चेंज होने के साथ साथ। जैसे कि मैं भी ऐसी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं, एक्ने हो जाती है, कुछ लोगों के पोर्स ओपन हैं, कुछ लोगों को रिंकल इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं और कुछ लोगों को इवन टोन का मसला होता है कि उनकी इवन टोन नहीं है, उनके यहाँ से डार्क सर्कल हो जाते हैं या कहीं से भी कुछ भी इश्यूज़। तो जितने स्किन सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसके अलावा भी आपको विजिबल सोल्यूशन इस पाउडर से मिलेंगे। तो दिखाती हूँ आपको कि वो पाउडर, वो चीज़ क्या है। वो चीज़ है जी फ्लैक्स सीड्स, जो कि मैं इस पैकिंग में लेकर आई हूँ। आप चाहें तो पंसार की दुकान से भी ले सकते हैं। ये जी 200 ग्राम आपको मिलते हैं सिर्फ 300 में, और ये दावा करते हैं कि ये प्योर 110% जो है ये ऑर्गेनिक है। तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा था, क्योंकि मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो वहीं से मैंने ले लिया था। आप चाहें तो बंसार की दुकान से भी लेके आ सकते हैं, और इसकी इतने ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी है कि आप इसको काफ़ी एटलीस्ट आप 2 मंथ्स तो इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो जी, इन्हें अलसी का बीज भी कहा जाता है, फ्लैक्स सीड्स को उर्दू ज़बान में अलसी के बीज कहा जाता है। और स्किन के साथ साथ इसके जो है हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, रिड्यूस कैंसर रिस्क, प्रिवेंट फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो जी, और भी सो ऑन बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, और सबसे बेस्ट जो है हम लोगों के लिए, जो हम जैसी लेडीज़ जो हैं, वो ये कि ये इसके स्किन से रिलेटेड बहुत बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह हमने पाउडर बनाना है और इसे किस तरीके से हमने यूज़ करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो जी, साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपने इस पाउडर को रोज़ ईद तक लगाना है, और इंशाल्लाह आप एक वीक में ही अपनी स्किन में जो है वो इम्प्रूवमेंट देखेंगे। साथ साथ मैंने एक उपटन भी आपके साथ रिसेंटली शेयर किया था, आप एक दिन वो उपटन लगाएं, एक दिन ये फ्लैक्सीड अलसी के बीज का पाउडर लगाएं, तो आप अपने स्किन में खुद इम्प्रूवमेंट चेक करेंगे और आप ईद तक इंशाल्लाह जगमग हो जाएंगे, भगते हुए नजर आएंगे, चिट्टे चिट्टे दूध दूध हो जाएंगे। तो जी, अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि इसको बनाना किस तरह से है। ऑब्वियसली आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि फ्लैक्सीड को हमें पहले जो है ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, इसका अच्छे से जो है हमें पाउडर बना लेना है। इस तरीके का आप देख सकते हैं, अच्छे से पाउडर बनाने के बाद हम इसमें रोज वाटर ऐड करना चाहें रोज वाटर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे मिनरल वाटर, टंकी वाला पानी नहीं, मिनरल वाटर में आप इसे बना सकते हैं। तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, तो जिनकी स्किन को सूट नहीं करता हनी, वो बेशक इसको स्किप कर दें आप नॉर्मल वाटर, लेकिन मिनरल वाटर में इसे बना सकते हैं। तो चलते हैं जी, बनाते हैं अपना मैजिकल पाउडर। हाँ जी, तो फ्लैक्स सीड को पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छा सा पाउडर इसका बना लेना है, बहुत ही अच्छा वाला पाउडर, जो बिल्कुल स्मूथ पाउडर होता है वो वाला पाउडर हमने बना लेना है। और अब हम इसे बनाएंगे और फिर अपने फेस पर मैं लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट। जी, अब इस पाउडर में मैं ऐड कर रही हूँ शहद। शहद भी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो अगर आप लोगों को शहद सूट नहीं करता, क्योंकि कुछ लोगों को शहद सूट नहीं करता, तो वो स्किप कर दें। साथ ही इसमें मैं इसको अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाने के लिए मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। आप लोग वाटर या रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, सिंपल वाटर, लेकिन मिनरल वाटर, क्योंकि मिनरल वाटर ज़रा ज़्यादा बेस्ट होता है। इसको एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे और फिर मैं इसे लगाऊंगी अपने फेस पे। तो जी, इसका एक अच्छा सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इसका बड़ा फ्लफी सा मिक्सचर होता है, फ्लफी सा। अब इसे हम अपने फेस पे लगाएंगे। मास्क को अप्लाई करने से पहले हमें अपने फेस को जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। आप चाहें तो फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रब दी बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर से जो पोर्स के अंदर से जो डर्ट है और जो डेड स्किन आपकी है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, डेड स्किन, और जब पोर्स आपके बिल्कुल ओपन हो जाएंगे स्क्रब की वजह से, उनकी डर्ट ख़त्म हो जाएगी। तो ये पाउडर जो है, ये मैजिकल पाउडर ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। तो अभी मैं स्क्रब कर चुकी थी ऑलरेडी वीडियो बनाने से पहले, तो अभी मैं अपने फेस को करूंगी रोज़ वाटर से क्लीन। अच्छे तरीके से आपने अपने फेस को क्लीन कर लेने, ताकि ये अपना
बेस्ट रिजल्ट है। तो जी फेस को मैंने क्लीन कर लिया है, अब मैं इस मास्क को अप्लाई करूँगी। साथ साथ आपको बताती चलूँ कि ये कोरिया में बहुत यूज़ होता है, कोरियन लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी स्किन के लिए भी, और इसे इसका जो है वो ड्रिंक बनाकर पीते हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसके बहुत बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए, हेल्थ के लिए। तो ये कोरिया में बहुत यूज़ होता है, और कोरियन लोगों की तो स्किन का आपको पता है कि उनकी स्किन कितनी स्मूथ और इवन टॉन होती है। आपने हाथ से ही लगाना है, ब्रश से आपने इसे नहीं लगाना, क्योंकि ये इस तरह का पेस्ट है कि ये ब्रश से नहीं लगेगा। और एहतियात से ध्यान से इसे ऑल ओवर आपने फेस पर अप्लाई करना है। तो जिन बाबा मैं बन चुकी हूँ, इसे 20-25 मिनट्स आपने ड्राई होने तक लगाना है, और उसके बाद आपने अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। तो जी मिलते हैं इसे वॉश करने के बाद। तो जी फेस वॉश मैं कर रही हूँ, और अब करूँगी मैं इसे ड्राई। फर्स्ट यूज़ से ही आपको आपकी स्किन में जो है एक विजिबल फर्क नज़र आएगा, आपकी स्किन में एक इंस्टेंट ग्लो भी आएगी, और आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बेटर होती जाएगी। जी ईद तक आप लोगों ने अपनी स्किन के साथ ये चैलेंज करना है, एक दिन मेरा बनाया हुआ जो मैं पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ उपटन लगाना है, और एक दिन आपने ये मैजिकल पाउडर लगाना है, और फिर उसके बाद ईद पर आपने अपनी स्किन देखनी है। तो जी इसी के साथ में मुझे इजाज़त, और रुकिए मैं कभी भी नहीं कहती, लेकिन काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और बताएं कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।